ऐसा हम अपना स्वागत नहीं करवाएंगे क्योंकि आप मेहमान हैं, हम मेजबान हैं। हमने बुलाया और हम ये स्वागत करवाते रहे। बेटी रुको, ये ठीक नहीं होगा, इसलिए मामा आप सबके प्रतिनिधि के रूप में जो किसान बैठे हैं, मैं खुद उनका स्वागत करूंगा। भूपेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रीमती कविता देवी, उन्हीं के साथ बैठे हैं श्री सकी श्रीनिवास, और अब माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी को फूल भेंट करते हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के रेटी में 68 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कृषि चौपाल नामक एक रेडियो टीवी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा के रेहटी पहुंचे। रेहटी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने 68 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जिस तरह पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम रेडियो पर आता है, ठीक उसी तरह किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने का दायित्व सौंपा है, जिसमें पूरी लगन के साथ पूरा करूंगा ताकि ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सके। 109 किस्सों के बीच तैयार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्मों के 109 प्रजातियों के बीज तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि धान की एक ऐसी किस्म विकसित की जा रही है जिसे रोपना नहीं पड़ता बल्कि गेहूं की तरह बुआई होती है। इसमें 30% कम पानी की आवश्यकता होगी और उत्पादन अधिक होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम रेडियो पर आता है, उसी प्रकार कृषि चौपाल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें महीने में एक बार रेडियो एवं टीवी कृषि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी बहनों को लखपति बहना बनाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना भी चलाई जा रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूहों के माध्यम से बहनों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें मजबूर बहना नहीं बल्कि मजबूत बहना बनाना है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा जन कल्याण के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस योजनाओं को आगे भी चलाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने बहनों से राखी बंधवाई एवं बहनों से संवाद भी किया। किसान भाइयों, मैं आपकी सहमति चाहता हूं, क्योंकि आप देश भर के किसानों के प्रतिनिधियां बैठे हुए हैं। आप बताओ, विज्ञान का तुरंत फायदा किसान को मिलना चाहिए कि नहीं? जानकारी तुरंत मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी बात करते हैं मन की बात। जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो उनने ही हमें कहा था एक दिन महीने में, और सितंबर महीने से हम शुरू कर देंगे। सितंबर के महीने में तारीख जल्दी तय करेंगे, किसानों की बात शुरू कार्यक्रम कर दिया जाए। रेडियो पे, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। वैज्ञानिक बैठेंगे, कृषि विभाग के अधिकारी बैठेंगे, हम भी बैठ जाएंगे और आप भी बैठेंगे, और जो जो अनुसंधान होते हैं उनकी जानकारी सीधी मिले, उसका फायदा कैसे मिले ये बताएंगे कि किस चीज में क्या करें। अब अगर रबी की बुआई करनी है तो बुआई की तैयारी, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उस तैयारी के साथ अगर ये खरीफ की फसल, इसमें कोई बीमारी है तो उससे लेके अलग अलग तरीका की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या अनुसंधान किया, उसकी सीधी जानकारी किसान तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? करें इसको, पंचों की राय है, किया जाए, तारीख तय करें। भैया हम तो पूछ पूछ के करेंगे सब, किसान बताता चला जाएगा।